आज हम बनाएंगे सोया का कीमा सोयाबीन से। तो मैंने सबसे पहले 2 कप सोयाबीन ले ली है। उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी में गला दिया था। आप इसको 10 से 15 मिनट गलने दें, उसके बाद इसका अच्छे से पानी निकाल लें और उसके बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमें, हम मोटा ही पेस्ट बनाएंगे। सोया कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा ही डलता है, मैंने फिर भी कम लिया है। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से ऑयल लें। अब इसमें डालेंगे हम दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, जीरा और उसको अच्छे से रोस्ट होने देंगे। जब वो अच्छे से भुन जाएगा जीरा, उसके बाद हम चॉप की हुई प्याज मिलाएंगे। प्याज को हम मीडियम साइज़ ही चॉप करेंगे, मैंने सिर्फ 2 प्याज ली हैं। जब प्याज हल्की सी पिंक हो जाए उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने इसको किसा हुआ है। पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे। जब पेस्ट अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे टमाटर। टमाटर को हम छोटा ही काटेंगे क्योंकि अभी हम इस लेवल पर इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे और इसको ढककर अच्छे से पकाएंगे। ये अच्छे से पक चुका है। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे ग्रीन चिलीज़, मैंने 3 to 4 मिलाई हैं। आप जिस हिसाब से देखा खाते हो उस हिसाब से मिलाएं। अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट क्योंकि हमारे मसाले ताकि अच्छे से पक जाएं। जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब ही हम उसमें सोया ऐड करेंगे। अभी हम अपना मसाला पकाएंगे, इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, मैं एक चम्मच डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया है। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं उस हिसाब से लीजिएगा और इसे अच्छे से भुनने दीजिए 10 से 15 मिनट, जब तक ये अपना पूरा ऑयल छोड़े। अब आप देख सकते हैं इसने अपना पूरा ऑयल छोड़ दिया है। अब ये रेडी है, इसमें हम सोया का पेस्ट मिला सकते हैं। देन इसमें हम मिलाएंगे दही। दही मिलाने से पहले हम गैस को ऑफ़ कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए क्योंकि गर्म में कभी कभी दही फट जाता है। मैंने इसको ऑफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें दही मिलाया है अच्छे से। आप भी दही मिलाइए अच्छे से, उसके बाद उसको दही में भी 5-6 मिनट पकने दीजिए। देखिए दही मिलने के बाद इसने कितना अच्छा अरोमा आ गया है और इसने कितना अच्छा तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे अपना सोयाबीन का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया हुआ था, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब उसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे हरी मटर। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं पर सोया के कीमे में हरी मटर बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसको ज़रूर ज़रूर डालें। और हम इसमें मटर मिलाने के बाद इसको 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये भुन चुका है। अब इस लेवल पे हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमें सोयाबीन है जो वो ड्राई ना लगे, इसलिए हम थोड़ा सा पानी मिला के इसमें रखेंगे। और मैंने इसमें अपना जितने हिसाब से मुझे नमक मिलाना था मैंने मिला दिया है। आप ये याद रखें कि आपने नमक इसमें पहले भी मिलाया है इसलिए आप इसमें कम ही मिलाएँ। और मैंने पानी भी जो मैं ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर सब्ज़ी बन जाएगी, कीमा नहीं रहेगा। आप इसको अच्छे से कर 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएं। जब ये मीडियम फ्लेम पे पक जाएगी उसके बाद आप इसको खुले में पकाएं ताकि ये पूरा ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद इसमें आप मिलाएंगे गरम मसाला ऊपर से। गरम मसाला को अच्छे से मिलाने के बाद आप 5 से 6 मिनट इसको पकाएं। जब तक सोया का कीमा पक रहा है तब तक हम करते हैं इसकी तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए मैंने लिया है तेल, उसमें डाला है 1 चम्मच घी और मैंने बिल्कुल चॉप फाइन चॉप किए थे अदरक। अदरक को हम इसमें डाल देंगे जब तक अदरक पक रहा है। आप ये देखिए इसमें कितना अच्छा पूरा पानी सूख चुका है, कलर ही बहुत ही अच्छा है, ऑयल भी ज़्यादा नहीं है। अब इसमें डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च और इसका तड़का लगाएंगे अपने सोया कीमा में। कश्मीरी मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब आप देखिए इसको तड़का लगने के बाद इसका टेस्ट और ही इंक्रीज़ हो जाएगा। आप इसको अच्छे से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट पकाएं तड़के के बाद। और ये है हमारा सोया कीमा बनके तैयार है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग और ये देखिए टेस्टी एंड लजीज सोया कीमा रेसिपी।
फॉर मोर रेसिपीज फॉलो मी एंड माई चैनल एंड सेंड यू फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन. थैंक यू. बाय बाय. वॉच वीडियो मोर वीडियोज लाइक दिस. आप भी बनाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट सेक्शंस में. थैंक यू.